तो दोस्तों वेलकम है रॉयल राइडर्स यूट्यूब चैनल पटना बिहार से। जितने सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग निकले हैं हिंदुस्तान और ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिनके अच्छे मतलब मार्क्स आते हैं, वो हैं हमारे बिहार स्टेट से। और मैं सैल्यूट करता हूँ उन बच्चों को, उन सारे ऑफिसर्स को जो इतना अच्छा पढ़ के ऑल ओवर वर्ल्ड जाके अपने स्टेट बिहार का नाम रोशन करते हैं, और वहीं से हमारे पास आए हैं रॉयल राइडर यूट्यूब चैनल। वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे सर, और मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान में जो माइंड वाले लोग हैं वो बिहार में रहते हैं, तो जिनका दिमाग बिहार तो भाग तेरी इज्जत का सवाल है। तो आज जो है दोनों भागती हुई पटना से दिल्ली आई हुई है, और क्या क्या मैं दे सकता हूँ भाई को, कैरियर वाला भी है, विदाउट कैरियर वाला भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा बैक रेस्ट। और सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि पिलियन जो राइडर होता है, जो पीछे बैठते हैं बुलेट पे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है बैठने पे, बहुत ज़्यादा बैक में पेन होता है, उसके लिए यहाँ पे बैक रेस्ट है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अपनी धनों के लिए जो हम लोग लेने वाले हैं वो ये वाला है, ये वाला बैक रेस्ट है। तो इसमें खासियत यही है कि हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रॉयल राइडर। और एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त रितेश शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका भाई इस वक्त पहुंच चुका है करोल बाग एरिया में, और करोल बाग में बुलेट एसेसरीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, कपड़ों का मार्केट है, लेकिन अपनी धनों के लिए कुछ एसेसरीज हमें चाहिए थी, और इसलिए हम लोग पहुँच चुके हैं रॉयल बुलेट एसेसरीज वर्ल्ड में। और इसका लोकेशन बहुत ही सिंपल है, यहाँ 12/31/4 है बैंक स्ट्रीट नाईवाला, प्यारेलाल रोड है, और करोल बाग में ये पड़ता है। और रॉयल बुलेट एसेसरीज़ कमल भैया का ये शॉप है, और वीडियो आप लोग देखते होंगे कमल भैया का बहुत ज़्यादा रॉयल बुलेट एसेसरीज़ वर्ल्ड में। तो हम लोग अंदर चलने वाले हैं, और धनों के लिए कुछ एसेसरीज़ हैं वो देखते हैं कि क्या कुछ है सब कुछ। बस वीडियो में बने रहिए, और भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। कमल भैया हमारे साथ हैं। हेलो कमल भैया, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे ब्रदर? बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया। तो कमल भैया का आप वीडियो बहुत ज़्यादा देखते होंगे, यूट्यूब पे बहुत वायरल है, और एक कहावत है, कहा जाता है कि यहाँ पे खलनायक कहा जाता है, पूरे जो बुलेट एसेसरीज के जितने भी शॉपकीपर्स हैं, शॉप्स हैं, उसके खलनायक यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। और खलनायक क्यों कहते हैं भैया, ये बताइए। एक्चुअली जो मार्जिन है, जो रॉयल एनफील्ड की एसेसरीज का मार्जिन है, उसको हमने कम करके यूट्यूब पर बताना शुरू कर दिया। आप लोगों ने चैनल को प्यार दिया, जिस वजह से आज आप भी हमारे साथ में हैं। तो होता क्या था कि जब आप कभी भी करोल बाग का नाम सुन के आते थे तो कुछ नहीं पता चलता था कि क्या चीज़ कितने की है, आपको चुका दिया। वाकई जो जेन्युइन रेट है चीप एंड बेस्ट में, और अच्छी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से जो शॉपकीपर्स हैं उनका मार्जिन जैसे ही कम हुआ तो लोगों के किराए निकालने बंद हो गए, तो इस वजह से मुझे इन्होंने खलनायक का नाम। लेकिन जो बुलेट एसेसरीज लेने वाले उनके लिए तो आप नायक हो गए ना, उनके लिए तो नायक हो गए। ये ऐसा है कि सोच सबकी अपनी अपनी है, किसी की हम सोच नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कभी भी किसी के लिए गलत नहीं कर रहा हूँ। रीजनेबल कमाओ, रीजनेबल आगे कस्टमर्स को पहुँचाओ। तो कमल भैया का ये यहाँ वर्कशॉप है, हम लोग बारी बारी से सब कुछ देखेंगे। वर्कशॉप के ऊपर भी कुछ और है, वहाँ भी देखेंगे, और बुलेट मॉडिफाइड करना हो या फिर बुलेट में किसी तरह का कस्टमाइजेशन आपको कराना हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक बार कैमरा मेरा पैन करेगा, आप देखिए किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है। यहाँ रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 350X है, इसमें लेग गार्ड लगा हुआ है, और यहाँ लेग गार्ड ये लग रहा है भैया, इसको कौन सा लेग गार्ड बोलते हैं? ये MSA 3 रॉड, इसके ऊपर वाइब्रेशन रॉड भी लगी है, मोबाइल होल्डर्स भी लगे हैं। बेसिकली ही इज फ्रॉम आर्मी, मेरे पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके कस्टमर्स बहुत आते हैं, क्योंकि वो फेस करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इसमें एक एक बैकस लगा है जिसमें 35 kg, और ये एडजस्टेबल है, मतलब अगर नीचे जो बैठ रहा है ये एडजस्टेबल हो जाता है ऊपर नीचे, और उसमें फिर ये रियर लेग गार्ड भी लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये गाड़ी हमसे ही हुई है। अब जैसे यहाँ से देखिए, MP को यहाँ नहीं है, या MP बहुत दूर है,
आप देख सकते हैं ये भी आर्मी से आए हुए हैं, चार इंडिकेटर्स लगे हैं, स्टेनलेस स्टील का RD350 लगा इस गाड़ी पे, ये भी काम यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद अगर हम यहाँ चलते हैं तो ये भैया आए थे हमारे पास, जिसकी आपने शूट किया थोड़ा सा, वो आप ज़रूर दिखाइए कि ये गाड़ी कैसे लग रही है। अब इसके लोगो चेंज हो रहे हैं, नए तरीके के लग रहे हैं, ये पुराने तरीके के लोगो हैं, अब इसमें नए तरीके के लोगो लगेंगे। और हमारा भाई लोगो लगा रहा है, ये देखिए ये लोगो लग जाएगा इसमें। हाँ जी, ये नया लोगो वाला जो है। हाँ, और ये गोल्डन कलर के लोगो हैं, बड़े शानदार दिखते हैं जो नए मॉडल में आ रहे हैं, तो ये लोगो लग जाएंगे और गाड़ी की लुक चेंज हो जाएगी। अब सबसे बड़ी खास बात ये है कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं, अभी इस तरीके की कस्टमाइज टैंक आपने कहीं नहीं देखे होंगे, जो कि खुद अपने हाथ से बुलेट पे इन्होंने ये कारीगरी कर रखी है। और इसकी मेन चीज़ ये है कि ये कारीगरी नहीं है, ये फील है, ये मोहब्बत है बुलेट वालों की। अगर आप देखें और आप क्लोजअप से देखेंगे और बाकी इस जो ये जो कारीगरी है, जो मोहब्बत है, इसकी डिटेल मेरा ये छोटा भाई बताएगा। okay. और आपको बताएगा इसने कैसे ये प्लान किया, कैसे इसके दिमाग में आइडिया आया। प्लीज़ आप बताओ कि कैसे हुआ ये। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम शिवम है। और ये कैसे आपके दिमाग में ये आया? बींग अ फाइन आर्ट्स बैकग्राउंड, मैं हमेशा से फाइन आर्ट्स में था। ओके okay. तो मेरे को रहता था कि मैं कुछ अलग रखूँ, अपना व्हीकल एकदम अलग रखूँ। बींग अ रेडिश रेड कलर विच वॉज लॉन्च इन 2017, ये कलर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था एट टाइम, तो मैं देख देख के बोर हो गया था। तो मैंने इसको खुद करा कि नहीं यार कुछ अलग करना है, कुछ करना है। फिर मैंने एक टैंक अलग से आफ्टर मार्केट टैंक खरीदा जो कि BS4 का ही था। फिर मैंने उसमें काम किया, फिर उसका सारा पेंट उतारा और फिर उसमें लेवल बाय लेवल, 7 लेवल का प्रोसेस है ये। इसमें जो पतली वाली रस्सी होती है वो आपने लगा रखा है? पतली वाली जूट होती है, जूट रोप। अच्छा, ये चिपकाया, फिर आपने फेविकॉल, ये पहले इसमें एक लैमिनेशन चढ़ी है। ओके। वो लैमिनेशन को हमने सैंड पेपर से रब कराया और फिर उसमें हमने एक एक धागा को हमने लगाया है। बीच बीच में कुछ कुछ जगह हमने फेविक्विक भी डाली है ताकि वो आपस में चिपक जाए, जैसे जॉइंट्स है इस जगह पे ताकि कॉर्नर्स हमारे अच्छे से रहें, पील अप ना हो। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा दिख रही है। फिर उसके बाद हमने जो कैंडल वैक्स होता है वो पूरे में रब किया ताकि वाटर प्रूफ हो जाए। अच्छा, ताकि वाटर रिप्लेंट हो गया, इसमें पानी डालो तो वो नीचे सरकता है, इसके अंदर नहीं जाता। ओके, उससे वाटर रिप्लेंट हो गई है। बहुत सही। तो ये पूरा लुक है बाइक का और क्लासिक है 350। ओके, बहुत ही देख सकते हैं पतली पतली रस्सी यहाँ पे लगी हुई है, बहुत ही बारीक है, तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है आपका ये। क्या हो, बहुत बहुत बेहतर है। अब जैसे ये हुआ कि ये गाड़ी चोरों ने एक्सीडेंट करवाई, रस्सी बांध दी और ये बुलेट वाले जो है चला रहे थे, रस्सी से वो गिर गए। गिरने के बाद इनके शॉकर, इनका मडगार्ड, इनके ये पहिए सब टेढ़े हो गए। ये देखिए, अब ये जेन्युइन कंपनी के अलॉयज हैं, लोग कहते हैं अलॉयज टेढ़े नहीं होते, ये आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा बैंड है इस अलॉय के ऊपर। ये देखिए यहाँ से फट गया अलॉय। अब इसके इसको कौन क्या बोलेगा, ये कंपनी का अलॉय है ना, और वो कहते हैं जी हमें 2 साल की गारंटी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। इन लोगों के लिए खलनायक हूँ मैं, जो लोग कहते हैं कि कमल भैया खलनायक है, तो ये अब ये फट गया। ये क्यों फट गया? गाड़ी सिर्फ गिरने से अलॉय फट गया? अब ये पूरी गाड़ी हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, शाम तक इनको ठीक करके देनी है। इनके घर में शादी है और चोरों ने रोक लिया, लेकिन 3-4 गाड़ियाँ पीछे से आ रही थी जिस वजह से ये गाड़ी वाले बच गए। अब ये मैं शॉकर अलाइनमेंट करवाइए। अब ये देखिए टैंक के ऊपर कितना बड़ा डेंट है, ये देखिए। ये गाड़ी इतनी सी गिरने के बाद हमारी रॉयल एनफील्ड ऐसा हाल हो जाता है, तो इसके लिए बड़ा मन दुखी होता है कि यार बंदा 2-2.5 लाख रुपए की लेता है गाड़ी, ये सारा बैंड हो गया और यहाँ सारा बैंड हो गया। अब हमने इसको अलाइनमेंट करवा दिया है और ये हम अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे तक ये गाड़ी पूरी रेडी करके उनको भेज देंगे और अपने गाँव चले जाएंगे। 5 बजे तक ये रेडी कर देंगे? हाँ जी, आप भी हैं, ये मैं भी हैं, तो आपको देख जाएगा कि गाड़ी रेडी भी हो। बहुत जल्दी मतलब ये कर सकते हैं? जी, टाइम लोग ले सकते हैं इसके लिए, तो 1-2 दिन समय लोग मांगेंगे। अब जैसे देखिए लेग गार्ड की वजह से उनकी टांग बची है, लेग गार्ड ने ये लेग गार्ड हमसे लगाया। बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। बहुत भयंकर एक्सीडेंट नहीं है, ये डकैती थी। उन्होंने तार बांध दी चोरों ने, ये बंदा अपनी मशीन से आ रहा है, उसको तार नहीं दिखी और वो गिरा। गिरते ही वो 3 चोर उसके ऊपर आए, लेकिन पीछे से कुछ कारें आ गई जिस वजह से चोर गाड़ी वाड़ी सब इसके सिर्फ मोबाइल लेके भाग गए। तो ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे एक्सीडेंट कराया गया जानबूझकर के, जो बाइक लूटते हैं चोर होते हैं, लेकिन भाई साहब की किस्मत कहिए कि इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो बच गए, तो बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ कमल भैया ने बोला है कि ये शाम तक ये गाड़ी रेडी हो जाएगी। तो
तो अभी फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए चारों बगल जब आपकी नजरें जाती हैं तो यहाँ आपको दिखाई देगा बुलेट की जितनी भी एक्सेसरीज है सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और कमल भैया है वो बेहतरीन ढंग से बताएंगे कि किस किस तरह का एक्सेसरीज है, क्या रेट है, किस तरीके से यहाँ आपको मिलने वाला है सब कुछ। तो किस किस तरह का मतलब एक्सेसरीज रखते हैं भैया? देखिए एक्सेसरीज वो है जिसकी हमें ज़रूरत है। एक्सेसरीज का ये मतलब नहीं है कि आप मेरे पास आए तो जितना मेरे स्टोर में वो सारा एक्सेसरीज आपकी बाइक में लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको सिर्फ एक हेडलाइट की ज़रूरत है कि रात को रोशनी कम पड़ती है, आप बिहार में गाड़ी चला रहे हैं यूपी में चला रहे हैं कि रात को रोड पे जो है मुझे कमल भैया फॉग लैम्प चाहिए या मैं स्पीति जा रहा हूँ या मैं लद्दाख जा रहा हूँ मुझे सैडल बैग्स चाहिए, ग्लव्स चाहिए, तो उस तरीके की सारी बाइक की एक्सेसरीज चाहे KTM हो चाहे नई होंडा हो चाहे आपकी जावा हो जावा पिराक हो या रॉयल एनफील्ड हो उसकी सारी एक्सेसरीज हमारे पास अवेलेबल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़े रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाती है, वैल्यू फॉर मनी है। ये नहीं कि आप आके बोलें कमल भैया वो तो 2800 की तरह आप 3200 की क्यों दे रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई फ़र्क होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम होगी या प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो कॉपी होगी क्योंकि हिंदुस्तान में नकल जो है बड़ी आसानी से की जाती है। तो हम राइडर्स के लिए काम कर रहे हैं तो जब आपके पास कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो जरूर आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर ले, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वेलकम है रॉयल राइडर्स यूट्यूब चैनल पटना बिहार से। जितने सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग निकले हैं हिंदुस्तान और ऑल ओवर वर्ल्ड में जिनके अच्छे मतलब मार्क्स आते हैं वो हैं हमारे बिहार स्टेट से। और मैं सैल्यूट करता हूँ उन बच्चों को, उन सारे ऑफिसर्स को जो इतना अच्छा पढ़ के ऑल ओवर वर्ल्ड जाके अपने स्टेट बिहार का नाम रोशन करते हैं और वहीं से हमारे पास आए हैं रॉयल राइडर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे सर और आपकी वीडियोस मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, बिहार में भी काफी लोकप्रिय है और वहाँ से हम यहाँ चल करके आए हैं। और किसी शॉप में मैं गया नहीं हूँ, करोल बाग में बहुत सारे शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ आने का कुछ मकसद है और क्यों आए हैं वो सब कुछ अभी आपको पता चलने वाला है वीडियो में, क्योंकि जो एक्सेसरीज होती है वो चीप एंड बेस्ट होती है और अच्छे रेट में जितने भी बाजार में जो रेट है उससे कम में आपको यहाँ मिलेगा। और ओरिजिनल और एकदम टिकाऊ जो कहते हैं ना वो चीज है, क्योंकि बहुत सारी कॉपी आती है जैसा कि कमल भैया हमेशा कहते हैं, तो हम लोग वो सब कुछ अभी देखने वाले हैं। देखिए ऐसा होता है कि जब आप अपनी बाइक के लिए, मेरे पास बुलेट नहीं सारी बाइक्स की एक्सेसरी मिल जाती है, उसमें कुछ भी आप लेना चाहें मतलब आपकी कोई रिक्वायरमेंट है और आप मुझे बल्क में भी ऑर्डर देना चाहते हैं कि हमें ये पार्ट बना दीजिए, तो ऊपर वाले की कृपा से आप लोगों के प्यार की वजह से फैक्ट्रीज चलती हैं तो उसमें हम वो चीज़ आपके लिए डेवलप भी कर देते हैं। जैसे अभी देखिए मेक इन इंडिया सारे इंडिकेटर्स है, इसमें चाइना कुछ भी नहीं है। अभी स्टेनलेस स्टील की जो है नंबर प्लेट है बैक की, जिसमें रॉयल एनफील्ड और आर के लोगो आप अभी जितना देख रहे हैं ये सब मेक इन इंडिया माल है। ये सारे जितना यहाँ भी जल रहा है ये भी मेक इन इंडिया, ये भी मेक इन इंडिया, सब इंडियन है, चाइनीज नहीं है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि बिना चाइना के आज हमारे जो हिंदुस्तान है उसमें कुछ भी अगर रॉ आता है आज, जैसे हमारा स्टील है वो भी वहीं से आ रहा है चाइना से, तो वो भी बहुत बड़ी कंट्री है और वो बड़ी डेवलप्ड है, हम लोग उनसे काफी पीछे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग बिल्कुल बराबर होकर फिर हमसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जिनका दिमाग, मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान में जो माइंड वाले लोग हैं वो बिहार में रहते हैं, तो जिनका दिमाग बिहार तो हम लोग अभी देखते हैं कुछ जो अपनी जो बाइक है जिसको मैं धन्नो बोलता हूँ उसके लिए कुछ एक्सेसरीज है वो हम देखते हैं, वो निकलवाते हैं और सबके बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। धन्नो भाग तेरी इज्जत का सवाल है, तो आज जो है धन्नो भागती हुई पटना से दिल्ली आई हुई है और क्या क्या मैं दे सकता हूँ भाई को, जो हमारे यहाँ स्टोर के शिवा है, रंजीत है, वो आपको सारी चीजें डिस्क्राइब करेंगे, सारी चीजें बताएंगे क्या क्या आपके मतलब की चीजें हैं। मैं हूँ अपनों का कमल आनंद। तो यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ बैकरेस्ट लगा हुआ है, सब है, क्लासिक का है, थंडरबर्ड का है, सब कुछ है, कैरियर वाला भी है, विदाउट कैरियर वाला भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा बैकरेस्ट। और सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि पिलियन जो राइडर होता है जो पीछे बैठते हैं बुलेट पे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है बैठने पे, बहुत ज्यादा बैक में पेन होता है, उसके लिए यहाँ पे बैकरेस्ट है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन सी क्वालिटी का कौन सा बैकरेस्ट है और क्या कीमत है। तो सबसे पहले आप बताइए कि ये कौन सा है? ये आपका थंडरबर्ड का आएगा सर, थंडरबर्ड का है, ये 16 गेज के अंदर बना हुआ है, इसको आप
एडजस्टेबल में या ऊपर नीचे हो जाएगा, आपको कंफर्टेबल रहेगा बैठने के अंदर। बाकी दूसरा ये आएगा क्लासिक के लिए, इसमें आपको एडजस्टेबल मिलेगा, आप विद कैरियर भी कर सकते हैं, विदाउट कैरियर भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको ये मिलेगा स्पोर्ट बैग। सबसे पहले इसका जो है ये क्या है, मतलब ये रॉड बहुत मोटा है, अंदर से खोखला नहीं है ना? नहीं नहीं सर, पूरा 16 गेज के अंदर बना हुआ है, हैवी के अंदर पूरा। अच्छा हैवी है, कितना वेट ये ले सकता है लोड? 70 किलो वजन आराम से ले सकता है आपका इस पे। रेट क्या है इसका? 1300 रुपए। 1300 रुपए जी सर। चलिए ठीक है, ये हो गया। और ये एडजस्टेबल होता है इसका? ऊपर नीचे हो जाएगा आपका। अच्छा ये ऊपर नीचे, ये गाइस आप कर सकते हैं, यहाँ से आप टाइट कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे हो सकता है बैकरेस्ट। फिर ये क्लासिक के लिए, क्लासिक के लिए ये भी आपका एडजस्टेबल है, ये आपका कैरियर भी बन सकता है, विदाउट कैरियर भी हो सकता है, ये भी एडजस्टेबल है आपका। अच्छा इसका प्राइस आएगा 1300 रुपए। 1300। इसमें ये वाली खासियत है ना पीछे, ये जो लोड लेता है जो सपोर्ट के लिए ये होता है नीचे आपका, उसमें लग जाएगा जी सर ये। चलिए ठीक है, मडगार्ड के पास ये दोनों फिट हो जाएगा, इस पे लोड अच्छा खासा आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी वही चीजें हैं जी सर। इसका जो है बैकरेस्ट ऊपर नीचे होता है फिट, आपको 800 रुपए के अंदर बैक सपोर्ट के अंदर कैरियर है लोड में, लोहे के अंदर ये भी। अच्छा एक शिकायत होता है ना कि पेंट वगैरह इसका निकल जाता है, पाउडर कोटिंग है। अच्छा अच्छा ठीक है, इसका रेट बताया कितना? 800 रुपए। 800 रुपए हो गया ये। 700 के अंदर है कैरियर। अच्छा सिर्फ कैरियर है, कैरियर कैरियर है आपका 700 रुपए का। हार्ले वो आएगा स्टाइल। अच्छा ये भी 800 रुपए का आपका सपोर्टर पूरा बैक, जैसे पूरा आपका बैक में पीछे दिक्कत होता है छोटे बड़े में, इसका साइज पूरा प्रोटेक्टर आपको मिलेगा। 800 रुपए इसकी कीमत है। चलिए ठीक है, ये भी वही है, इसी में वही है, इसमें क्रोम आपको ब्लैक क्रोम फिनिश है। ठीक है, फिर ये एक आएगा आपको हार्ले लुक जो आजकल चल रहा है मिटियोर वगैरह में, फिर ये मिलेगा आपको 500 रुपए की रेंज के अंदर अभी। अच्छा ये 500 रुपए का होता है ये। ये दोनों होता है यहाँ पे टाइट किया जाता है ये नट बोल्ट पे। ठीक है ये टाइट हो गया, 500 रुपए का ये हुआ, बना हुआ ब्रास आइटम है ये। अच्छा चलिए ठीक है, फिर इसका क्या आएगा सर आपका कैरियर? ये कितने का आता है? ये 250 रुपए का मिलेगा आपको सर। 250? हाँ जी। अच्छा 200 की रेंज के अंदर है, आपको कलर मिलेंगे आपको उसमें अलग अलग। अच्छा ये जनरली क्या होता है कि जो स्टॉक वाला आता है उसमें पतला रॉड होता है, तो उसमें फोम लोग बाहर से लगवाते हैं, तो ये लगा लगा है इसमें 200 रुपए में मात्र दे रहे हैं, और पूरा लोहे का रॉड है इसके अंदर, कोई आपका ये नहीं मुड़ जाएगा कुछ होगा, पूरा लोहे का रॉड है 200 रुपए, होली ऑफर है, उसके बाद बढ़ जाएगा फिर 300 रुपए का हो जाएगा आपका ये। अच्छा तो ऑनलाइन जिसको मंगाना है वो मंगाएंगे तो उसमें कुरियर का बस चार्ज देना पड़ता है जो भी आपका, और यहाँ जो आकर के इसको परचेज तो करेंगे 200 रुपए। इसमें अलग अलग वेरिएंट है, ये ब्राउन है, ब्लैक है, और ये भी ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन है, और ये ब्लैक है। तो जिस तरह की आपकी गाड़ी है जो आपको पसंद है वो आप लगा सकते हैं 200 रुपए में ये है। तो अपनी धनों के लिए जो हम लोग लेने वाले हैं वो ये वाला है, ये वाला बैकरेस्ट है। तो इसमें खासियत यही है कि ये नट बोल्ट पे यहाँ टाइट किया हो रहता है, तो इसका ये डिटैच भी हो जाएगा ये कैरियर। तो अगर आपको मार्केट में निकलना है, कहीं भी सिटी राइड करते हैं, आपको कैरियर की जरूरत नहीं है, तो यहाँ नट बोल्ट लगा हुआ है, एलन की से इसको खोल करके डिटैच कर सकते हैं, सिर्फ बैकरेस्ट रहेगा, और आप आसानी से इसको लगा करके कहीं भी घूम सकते हैं, बहुत ही सोबर और सुंदर लगने वाला है। और लंबे राइड पे निकलते हैं तो कैरियर फिट करिए और निकल जाइए राइड पर, कोई टेंशन नहीं लेना है। कितना लोड लेगा ये? 70 kg इस पे आ जाएगा जी आराम से। बहुत ज्यादा है, 70 kg मतलब इस पे लोड ये ले लेगा। चलिए तो अपना बैग लगेज कुछ भी है इस पे रख सकते हैं, हम लोग यही वाला लगाने वाले हैं, और जब घर पे पहुंचेंगे तो वहां आपको सेट करके दिखाएंगे। अभी थोड़े दिनों और दिल्ली में मुझे रुकना है, तो वहां जाएंगे तो आपको ये चीज दिखाएंगे। तो यहां का नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूं, लोकेशन है गूगल मैप लोकेशन है, आप आइए करोल बाग में, रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड है, यहां से आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एक्सेसरीज रॉयल बुलेट का दिखाएंगे, और बहुत सारी चीजें यहां पे आपको दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाएंगे, राइडिंग गियर्स दिखाएंगे, हेडलाइट दिखाएंगे, और उसके बाद जो है कुछ छोटे मोटे जो एक्सेसरीज होते हैं बाइक में, मोबाइल होल्डर हो गया या डिस्क ब्रेक का लॉक हो गया, सब कुछ हम लोग दिखाएंगे। अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही है, अलविदा।